क्या आप भी अपना नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो? तो फ्रेंड्स, आप चाहते हो खुद से अपना नया जीमेल अकाउंट बनाना? तो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आप खुद से अपना एक नया जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सेलेक्ट कर देना, ताकि इसी तरह का मैं वीडियो जब भी यूट्यूब पे अपलोड करूं तो फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को देख सको। तो फ्रेंड्स, हमें जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर आना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं चले सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर ले आता हूँ, जहाँ से हम कोई एप्लीकेशन या फिर गेम डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे चलते हैं। तो गाइज़, ये रहा मेरा प्ले स्टोर। यहाँ पे आने वक्त गाइज़, यहाँ पे हमें गाइज़ एक यहाँ पे लोगो देखने को मिल रहा होगा। गाइज़ यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे गाइज़ आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर गाइज़ आपका एक ही अकाउंट है तो गाइज़ आपको इस तरह का यहाँ पे गाइज़ तीर मार्क नहीं दिखलाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई गाइज़, यहाँ पे मेरा दो तीन बहुत सारे अकाउंट्स है गाइज़, तो गाइज़ इसलिए मेरा यहाँ पे दिखला रहा है। अगर गाइज़ आपका भी कुछ इस तरह से दिखला है तो फ्रेंड्स आपको इस तीर पे क्लिक करना है। जैसे गाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे नीचे आ जाना है। जैसे गाइज़ यहाँ पे आप नीचे आते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन गाइज़ देखने को मिल रहा होगा, ऐड अनदर अकाउंट वाला। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, गाइज़ इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करते हो तो गाइज़ मुझे गूगल अकाउंट बनाना है, तो गाइज़ मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जैसा क्लिक करता हूँ तो गाइज़ देख सकते कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग लेगा। गाइज़ यहाँ पे आपका फ़ोन का पिन मांगेगा, तो गाइज़ यहाँ पे मैं फिंगर दे देता हूँ अपना। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपना फिंगर दे चुका हूँ, गाइज़ ये वेरीफाई हो रहा है। तो गाइज़ देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस गाइज़ आपको भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइज़ आप अपना गाइज़ जैसा कि अपना पुराना आईडी लाना चाहते हो गाइज़, तो यहाँ पे गाइज़ आप अपना फ़ोन नंबर गाइज़ या फिर वो पुराना ईमेल आईडी गाइज दे के उसका पासवर्ड दे के गाइज़ उसको लॉगिन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बनाने वाले गाइज़ बिल्कुल एक नया अकाउंट बनाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे क्रिएट अ अकाउंट वाले ऑप्शन पे गाइज़ हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है गाइज फॉर माई सेल्फ, इसका मतलब होता है आप खुद के लिए एक जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हो। गाइज दूसरा ऑप्शन गाइज आपको देखने को मिल सकता है टू मैनेज माई बिजनेस, इसका मतलब गाइज आप अपने बिजनेस के लिए अकाउंट बनाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं खुद के लिए बनाना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं माई पे गाइज क्लिक करूँगा फॉर माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स आप भी इसी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे आपका नाम मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने भाई के नाम से क्रिएट करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना होगा। गाइज आपका जो भी फर्स्ट नेम है गाइज आप वहाँ पे यहाँ पे एंटर कर देना। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जैसा मैं फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम सादिक डाल दिया हूँ गाइज, यहाँ पे सेकंड में हुसैन डालूंगा। तो गाइज देख सकते हो पहला वर्ड गाइज मैंने सादिक डाला है, फिर दूसरा वर्ड गाइज मैंने हुसैन डाला है। तो गाइज इसी तरह से आप भी डाल देना। डालने के बाद फ्रेंड्स हमें करना कुछ नहीं होगा, यहाँ से गाइज हमें एक नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स हम इसी पे क्लिक करेंगे। गाइज जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गाइज हमें यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप कौन से दिन पैदा हुआ, तो गाइज उस दिन का डेट डाल देना। या फिर गाइज अगर आपको नहीं पता तो गाइज आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे कोई सा भी डेट गाइज यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे गाइज मंथ डाल देना, जनवरी में फरवरी में आप कब पैदा हुए थे। फ्रेंड्स आपको नहीं पता तो गाइज आप कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। गाइज यहाँ पे मैं फरवरी डाल दिया हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे साल डालना होगा, आप कौन से साल में पैदा हुए थे, जैसे गाइज 2005 या फिर 2006 या फिर 2002। गाइज आप जब भी पैदा होते गाइज यहाँ पे डाल देना। अगर आपको नहीं पता तो फ्रेंड्स आप कुछ भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2002 डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन गाइज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा तीर वाला। फ्रेंड्स जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबको पूछा जाता है कि आप मेल हो या फीमेल, गाइज आप लड़का हो या लड़की। तो गाइज आप यहाँ पे अगर लड़का हो तो गाइज यहाँ पे मेल पे सेलेक्ट कर लेना, अगर लड़की हो तो गाइज यहाँ पे फीमेल पे आप सेलेक्ट कर लेना। तो गाइज यहाँ पे मैं मेल पे सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गाइज हमें एक और ऑप्शन गाइज देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट वाला। तो फ्रेंड्स हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज देख सकते हो जैसा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो गाइज यहाँ पे क्रिएट अ जीमेल एड्रेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक जीमेल एड्रेस क्रिएट करने को गाइज कह रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि वहाँ पे गाइज हमने डाला था सादिक हुसैन, तो गाइज यहाँ पे भी हम उस नाम ही डाल देंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम मैं भी नाम डालने वाला हूँ। सादिक हुसैन। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे कोई सा भी लेटर गाइज यहाँ पे कोई नंबर डाल सकते हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नंबर डालने वाला हूँ 0786। और गाइस मैं यहाँ पे नेक्स्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, देख सकते हो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये पासवर्ड गाइस यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपको पासवर्ड डालना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप पासवर्ड डालने के बाद गाइस फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप भूल भी जाओ तो फ्रेंड्स आप फ़ोटो की मदद से उसको दोबारा याद कर सको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डालने वाला हूँ। गाइस देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो फ्रेंड्स मेरा पासवर्ड ले चुका है। तो गाइस यहाँ पे लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं, फ्रेंड्स आपको सबसे नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो यस आई एम इन, इस पर गाइस आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे दिखला देगा जो आपने गाइस यहाँ पे जीमेल अकाउंट क्रिएट करा है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरा जीमेल अकाउंट दिखला दिया, सादिक हुसैन 537। तो गाइस ये मेरा जीमेल अकाउंट गाइस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे गाइस देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से सबसे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एग्री दे देना है। तो फ्रेंड्स यस यहाँ पर जैसे आई एग्री वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स देख सकते हो ये गाइस ये यहाँ पे प्रोसेस होना चालू हो गया है। तो गाइस यहाँ पे आपको पासवर्ड सेव करने वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप यहाँ से सेव कर सकते हो, गाइस यहाँ से मैं सेव कर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा जीमेल अकाउंट गाइस बन चुका है। अभी मैं आपको दिखला दूँ गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो गाइस यहाँ से आपको बैक कर लेना है। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ से बैक करोगे तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखला दूँ। फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे गाइस मेरा जीमेल अकाउंट बन चुका है। गाइस मैं आपको दिखला दूँ फिर से, यहाँ पे गाइस मैं वापस से अपने लोगो पे जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं तीर वाले ऑप्शन पे आता हूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो जो जीमेल अकाउंट गाइस मैं बनाया था फ्रेंड्स वो देखो ये रह जाए। गाइस देख सकते हो सादिक हुसैन वाला। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि गाइस आप अपना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे ज़रूर से सेलेक्ट कर देना, ताकि इस तरह का वीडियो गाइस मैं जब भी लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को देख सको। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।